हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 446 हो गए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप सही है मत बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 440 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 446 हो गए।